स्वागत है आज की कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सातवीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय है 2 और इसका शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर, भाग 2। तो पृथ्वी तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारे रहने का ग्रह है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हमने पृथ्वी के बारे में पिछली कक्षा में देखा कि पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है, और हमने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के बारे में भी पढ़ा। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अवसादी चट्टान की परत पर परत कैसे जमी हुई है, इसी प्रकार अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैल की परतों में जीवाश्म की उपस्थिति भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे जीवाश्म क्या है, तो बच्चों अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये मछली का जीवाश्म आपके सामने चित्र में मौजूद है, जो आज या कल का नहीं बल्कि ये लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। तो अब बताते हैं कि जीवाश्म किसे कहते हैं और ये कैसे निर्मित होते हैं। कोई भी जीव या वनस्पति लंबे समय तक भूमि की भूपरपटी में मरने के बाद या किसी भी तरह ढका हुआ रह जाए और सुरक्षित हो जाए। सुरक्षित कैसे होगा कि उसके ऊपर और भी परत जम जाएगी और जमते जमते वो उस जगह पे सुरक्षित हो जाएगा। और ये भी आवश्यक है कि उस वस्तु में, चाहे वो जीव हो या पेड़ पौधे के पत्ते हो, उसमें कुछ ना कुछ कड़ा अंश अवश्य होना चाहिए। जैसे हमने देखा मछली का स्केलेटन था तो वो कड़ा पदार्थ था। तो जब काफ़ी समय तक ये सुरक्षित हो जाता है तो कठोर होकर जीवाश्म में बदल जाता है। अवसादी चट्टान के बाद अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, कायांतरित शैल। ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान, जो पहले हमने 2 प्रकार देखे, उन्हीं दोनों प्रकार के चट्टानों के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और इस प्रकार बने नवीन चट्टान को कहते हैं कायांतरित चट्टान। जैसे कि चिकनी मिट्टी परिवर्तित होकर बन जाती है स्लेट, और चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या बनता है, संगमरमर। देखिए, ये स्लेट पत्थर जिसे आप लोग फर्शी पत्थर भी कहते हैं, और ये है संगमरमर जिससे क्या बनता है, उस पत्थर से भवन निर्माण और इमारतों का निर्माण भी होता है। तो चट्टानों का उपयोग भी देख लेते हैं। चट्टानों का उपयोग बहुत सारे कामों में होता है। देखिए, सड़क निर्माण में कई प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों का उपयोग होता है, और भवन निर्माण में भी चट्टानों के कई रूपों का प्रयोग किया जाता है। और अन्य उपयोग क्या होते हैं, जैसे कि मूर्तियों का निर्माण आपने देखा ही होगा कि कैसे पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाई जाती हैं, और गुफा को काटकर अर्थात चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण भी किया जाता है। देखिए, ये एलिफेंटा का मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है, और ये शिव जी की प्रतिमा है, और ये प्रतिमा भी पत्थर की बनी हुई है। और ये सिलबट्टा तो आपने अपने घर में देखा ही होगा, ये भी तो पत्थर का है। इसका क्या उपयोग करते हैं, कुछ भी पदार्थ को पीसने के लिए। और ये खलबट्टा भी आपने अवश्य देखा होगा, और नदी के घाट पर या तालाब के घाट पर आपने कपड़े धोते हुए भी लोगों को देखा होगा, तो ये भी तो पत्थर का ही उपयोग है। चट्टानों में होते हैं खनिज, ठीक है, खनिज वहाँ पर अयस्क के रूप में होता है। अब खनिज अयस्क की प्राप्ति कैसे की जाती है, खदानों में खुदाई करवा के, जैसे लोहा, कोयला आदि। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये लोहे की खदान है, और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सोने की खदान है। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है बच्चों, और एक खास बात ये है कि ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इस खदान का नाम है पोनेंग खदान, और अभी कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर खुदाई का काम बंद किया गया है। पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी अगर इसका अंदाजा ले तो
समुद्र सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी लगभग 6400 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचना असंभव है। अब हम शैल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। चक्र, आपने जल चक्र पढ़ा होगा कि कैसे पानी जमकर बर्फ के रूप में रहता है, फिर बर्फ पिघलती है और पानी बन जाता है, पानी वाष्पित होता है फिर बादल बन जाता है, और उसके बाद फिर से अगर जम गया तो फिर से बर्फ बन जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार शैल चक्र होता है। चट्टानों के जो हमने विभिन्न प्रकार देखे हैं ना, वो चक्र चलता है और एक जगह से शुरू होकर फिर उसी जगह तक आ जाता है। कैसे? मैग्मा जो पिघला हुआ पदार्थ है वो ठंडा होता है, ठंडा होकर आग्नेय शैल का निर्माण करता है, फिर आग्नेय शैल प्राकृतिक और मानवीय कारणों से टूटते हैं, टूटकर इनके टुकड़े हो जाते हैं, अवसाद के रूप में ये बदल जाता है, फिर अवसादों की परत जमती है तो अवसादी चट्टान बनता है, फिर अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बनते हैं। कायांतरित चट्टान पे जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो फिर से मैग्मा का निर्माण होता है। तो हम आ गए ना पहले बिंदु पर। इसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, मैग्मा से बना आग्नेय शैल से बनी तलछट या अवसाद, अवसाद से अवसादी शैल से कायांतरित शैल, और कायांतरित शैल से फिर से मैग्मा। अब क्योंकि चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं तो हमें खनिज की परिभाषा जानना भी जरूरी है ना? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए, ये विभिन्न खनिजों के प्रकार हैं आपके सामने। जहाँ तक भारत की बात करेंगे तो भारत खनिज की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देखिए, यहाँ पे किस राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे कोयला झारखंड में पाया जाता है, कच्चा लोहा उड़ीसा में, चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में, तांबा अयस्क मध्य प्रदेश में, सोना कर्नाटक में और यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगर हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। टिन नामक खनिज की प्राप्ति में तो छत्तीसगढ़ भारत में पहला और अकेला प्रदेश है। तो टिन कहाँ मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में? दंतेवाड़ा में, कोयला कोरबा में, लोहा या लौह अयस्क दंतेवाड़ा में, चूना पत्थर बलौदा बाजार में, बॉक्साइट बलरामपुर में, डोलोमाइट जांजगीर चांपा में और अभ्रक बस्तर में। तो है ना छत्तीसगढ़ खनिजों के मामले में समृद्ध। खनिजों का उपयोग बहुत सारे कामों में होता है, जैसे उद्योगों में, औषधि निर्माण में, उर्वरक निर्माण में, आभूषण और बर्तन निर्माण में। इसके अलावा ऊर्जा के साधन के रूप में भी खनिज काम आते हैं, मकान और इमारतों के निर्माण में भी काम आते हैं, और यातायात तथा संचार साधनों के निर्माण में भी खनिजों का बहुत प्रयोग होता है। देखिए, ये कारखानों में आपको दिख रहा है, उद्योगों में खनिजों का प्रयोग और भवन निर्माण में भी खनिजों का प्रयोग। जैसे ये लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ अगर भवन में काम आ रही है तो इसका मतलब खनिज काम में आ रहा है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अवसादी शैल और कायांतरित शैल, शैलों का उपयोग क्या है और शैल चक्र क्या है, खनिज क्या है और खनिज के उपयोग क्या हैं। तो फिर अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ प्रश्न। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न, अवसादी चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उत्तर है सत्य। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल चूना पत्थर से बना है। असत्य, क्योंकि ताजमहल किससे बना है बच्चों? संगमरमर से।
तीसरा प्रश्न है, लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, सत्य है? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता, असत्य कथन है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। और पांचवा तथा अंतिम प्रश्न है, हम पृथ्वी के केंद्र तक जा सकते हैं, असत्य। अब आपके अभ्यास के लिए ये रोचक चित्रों वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ हम कुछ सामान आपको दिखा रहे हैं और आपको पहचानना है कि ये किस खनिज से बने हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है पीले रंग का आभूषण, बताइए ये किससे बना है? ये बना है सोने से। और दूसरा आपके सामने है रेल की पटरी, बताइए किससे बनती है रेल की पटरी? लोहे से। और ये रहा लोटा जिसे पूजा करते समय आप प्रयोग करते हैं, बताइए किस धातु से बना है? ये तांबा से बना हुआ है। और ये है आपका खाना बनाने वाला पात्र, कुकर, बताइए ये किस खनिज से बना हुआ है? सही पहचाना, एल्युमिनियम से। अब गृह कार्य के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अवसादी चट्टाने कैसे बनती हैं? प्रश्न दो, जीवाश्म किसे कहते हैं? प्रश्न तीन है, कायांतरिक चट्टानों के दो उदाहरण बताओ। चौथा प्रश्न है, शैल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, खनिजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, समझाइए। तो यहाँ हमारी कक्षा होती है समाप्त। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। धन्यवाद।